बंगला प्रश्न हम मंच से ना लेकर के हमारे सामने जो आज विशिष्ट अतिथि बनकर के सामने गेस्ट बैठे हैं उनमें से जो भी चाहें पहला प्रश्न आप कर सकते हैं हमसे। और हाँ, प्रश्न वही करना जो आप सुन सको, हमारे उत्तर में कोई कमी नहीं होगी, मिसाइल बना करके ही उत्तर देंगे। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जो आपका नाम? मैं डॉक्टर डी के विश्वकर्मा पशु चिकित्सक हूँ। वाह, और महाराज जी भगवान करे हमको तो जरूरत नहीं है अभी। मेरा महाराज जी मेरा ये निवेदन है कि जो दूध है अपना भारतीय गोवंश का दूध है, इसमें A2 प्रोटीन रहता है। A2 प्रोटीन से आप ऐसे समझेंगे कि जैसे BCM7 एक प्रकार का प्रोटीन है जो काफ़ी शरीर में नुकसानदायक रहता है। जो अपनी भारतीय नस्ल की गाय रहती हैं, जो साहिवाल, गेर और अपनी देसी नस्ल की है, उसमें A2 मिल्क रहता है जो काफ़ी माने कैंसर से, डायबिटीज से, एलर्जी से, पाचन शक्ति और नर्वस सिस्टम काफ़ी गुणवत्तापूर्ण दूध रहता है। लेकिन जो अपना अपने बुंदेलखंड और देखा गया है कि गौवंश पालन में थोड़ा कम ध्यान दे रहे हैं, उसकी संख्या कम हो रही है और बेसहारा गौवंश की संख्या बढ़ रही है, तो इस व्यवस्था में कैसे आप कृषकों को सलाह देंगे कि जिससे राष्ट्र समृद्ध हो और गौवंश को जो देसी गौवंश पालन में भी थोड़ा मददगार हो। धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। गौ माता की, आप निश्चित रूप से बहुत ही सजग डॉक्टर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, और आपका प्रश्न बहुत ही सटीक है। सबसे पहले तो आपने कहा कि जो गाय माता के, देखो गाय माता का जो दूध है ना, वो दूध नहीं वो अमृत है। धन्यवाद। पहले तो आप ये समझ लीजिए, गाय का दूध अमृत, और अमृत में ही एक ऐसा बल है जो प्रत्येक विषाक्त दूषक तत्व जो अंदर होते हैं उनको मिटाने की क्षमता गाय के अमृत में है। बिल्कुल है। अब गाय का अमृत अब तो मिल ही नहीं रहा है, दूध के नाम पर मिलावट, दूध के नाम पर पाउडर, दूध के नाम पर केमिकल, बिल्कुल, दूध के नाम पर कालाबाजारी, बिल्कुल, दूध के नाम पर छल, इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम आप हैं। बिल्कुल है। क्योंकि हमने आपने पैक दूध पर भरोसा किया है, जिस दिन ये भरोसा भारत का एक एक व्यक्ति त्याग करके गाय के दूध की मांग करने लगेगा, डेयरी वाले गाय माता को रखने पर मजबूर हो जाएंगे, गाय माता सुरक्षित हो जाएगी और भारत सुरक्षित हो जाएगा। और आप क्या मानते हैं, क्या ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए महाराज जी, क्योंकि गाय का दूध आपने अपने घर पे रखी है गाय? बिल्कुल महाराज जी, दो गाय हम पाले हुए हैं, एक हमारी तरफ से रख लो। बिल्कुल महाराज जी, धन्यवाद। धन्यवाद।